लच्छेदार आलू और प्याज के कुरकुरे पकोड़े की रेसिपी बिल्कुल अपने तरीके से मैं बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से आप पकोड़े को बनाएंगे तो आपके पकोड़े भी काफ़ी कुरकुरे बनेंगे। इसकी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी चावल का आटा लिया है और वजन के हिसाब से मैं इसका माप बताऊँ तो 200 ग्राम मैंने चावल का आटा लिया है, एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू और 1.5 कटोरी पतले शेप में स्लाइस कटे हुए प्याज। अब हम इसमें ले लेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, 1 चम्मच बेसन, नमक अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सभी को मिक्स कर लेंगे। पकौड़े में आपको हींग का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें 2 चुटकी हींग भी ऐड कर सकते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली ना हो। चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों से जैसे भी आपको ईजी लगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस इसी कंसिस्टेंसी में आपको भी रखना है, ना ज़्यादा इसे हम पतला करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा। तो सभी मिक्स हो चुके हैं, हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तेल मैंने बहुत अच्छे से गरम कर लिया है, बस चम्मच से थोड़े थोड़े मिक्सचर को हम गरम तेल में डालते जाएंगे जिससे कि छोटे छोटे साइज में पकोड़े बनकर तैयार हो। पकोड़े की शेप के लिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, पकोड़े ऐसे भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं ये अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़े थोड़े मिक्सचर आप डालिए जिससे कि पकोड़े छोटे छोटे बनकर तैयार हो और पकौड़ों को आप हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए। तो पकौड़े एक साइड से ब्राउन हो गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस पकौड़े को फ्राई करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड से पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस इसी कलर तक लाने तक आपको भी पकौड़े को तलना है। तो सारे पकौड़े फ्राई हो गए, अब हम इसे निकाल कर रख लेंगे प्लेट में। पकौड़े फ्राई करते समय आप भी ध्यान दीजिएगा कि पकौड़े को छोटे छोटे शेप में ही फ्राई कीजिएगा और हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। तो फर्स्ट बैच तो मैंने चम्मच से आपको दिखाया, सेकंड बैच में आपको हाथों से करके दिखाती हूँ। हाथों से कीजिए या फिर चम्मच से कीजिए, बस मिक्सचर को आप थोड़े थोड़े ही गर्म तेल में डालते जाइए जिससे कि पकौड़े छोटे छोटे बने। और जब छोटे छोटे पकौड़े को आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसमें ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि पकौड़े ऊपर से फ्राई हो गया और अंदर से कच्चा है। ये हर तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा, बस इसका साइज छोटा रखिए और हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तो बस सेम तरीके से सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। आपने देखा ना कि लच्छेदार आलू और प्याज के पकोड़े को बनाना कितना आसान है, तो सेम तरीके से आप भी इस पकोड़े को बनाइए और चाय के साथ आप इसे सर्व कीजिए। ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में आप कभी भी इसे आसानी से बना सकते हैं और मनपसंद चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको पकौड़े की आवाज़ सुनाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना कुरकुरे पकौड़े ये बनते हैं। आप भी सेम तरीके से इस पकौड़े को बनाइए, आप अपने घर में आए हुए गेस्ट को भी इस पकौड़े को सर्व कर सकते हैं, वो भी आपके बहुत तारीफ करेंगे। आपको आलू और प्याज के इस लच्छेदार पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज की इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ फिर से किसी नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।